टू डे वी स्टार्ट व्हाट इज़ एन एनालिटिकल बैलेंस यूज फॉर हम एनालिटिकल बैलेंस यूज़ किस लिए करते हैं अ बैलेंस इज़ यूज टू फाइंड आउट द मास ऑफ अ सबस्टांस बाय कंपेयरिंग इट विद नॉन मासिस सो बैलेंस यूज होता है जब हमने किसी सबस्टांस के मास को उसके वेट को मयर करना होता है तो हम कंपेयर करवाते हैं उसको नॉन मासिस के साथ सो so हमें उस सब्स्टांस का मास और वेट मिल जाता है उसका वेट फाइंड आउट हो जाता है द नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस नाइफ नाइफेजिस स्टरअप्स स्केल पैंस अ पॉइंटर सेंट्रल पिलर वुडन प्लेटफॉर्म विथ लेवलिंग स्क्रूज सो दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ बैलेंस द नेक्स्ट इज अ पिक्चर ऑफ बैलेंस इन दिस इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल बीम मेड ऑफ़ ब्रास एंड अल्मीनियम एट द एंड ऑफ फिक्स टू बैलेंसिंग स्क्री एस वन और एस टू फोर फाइन एडजस्टमेंट सो इसमें क्या है कि जो सेंट्रल भीम है वो किसका बना होगा या तो ब्रास का बना होगा या अल्मीनियम का बना होगा और इसके एंड में दो बैलेंसिंग स्क्रू प्रेजेंट होंगे एस वन और एस टू फोर फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए टू नाइफ एजिस के वन एंड के टू आर फिक्सड इन अपर पोजिशन ये फिक्स होंगे इन अपर पोजिशन ऑन विच रेस्ट रब्स विच एक्से स्केल एंड सस्पेंशन बोथ जो एक्ट्स करते हैं स्केल एंड सस्पेंशन बोथ द मिडल ऑफ द बीम दियर इज अ सेंट्रल नाइफ एच उसके बीम के जो मिडल में सेंट्रल नाइफ एच प्रेजेंट होगा विच पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स आ रहा होगा देअर इज अ सेंट्रल पिलर माउंटेड ऑन द वुडन बेस सेंट्रल पिलर है जो माउंट किया होगा वुडन बेस पे एट द बॉटम ऑफ द वुडन बेस दियर आर लेवलिंग स्क्रूज जहाँ वुडन बेस का बॉटम होगा वहाँ क्या प्रेजेंट है लेवलिंग स्क्रूज अ प्लम्ब लाइन विच इज़ यूज टू सेट द बैलेंस जो प्लम्ब लाइन है ये बैलेंस को सेट करने के लिए यूज होती है अपॉइंटर इज फिक्सड वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन पॉइंटेड उसमें एक पॉइंटर फिक्स है जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है द स्केल ऑफ़ द स्केल पैन ऑफ इक्वल मास आर सस्पेंडेड फ्रॉम द स्टरअप स्केल पैन है ऑफ इक्वल मास के हैं वो कहाँ से सस्पेंडेड हो रहे हैं फ्रॉम द स्टरअप सो दिस इज दिचर ऑफ एनालिटिकल बैलेंस द नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ एनालिटिकल बैलेंस अब प्रोसीजर क्या है एनालिटिकल बैलेंस का अडजस्ट द लेवलिंग स्क्रू टू मेक द पिलर वर्टिकल पहले हम उसके लेवलिंग स्क्रू के साथ उसके एडजस्ट कर लेंगे ताकि जो उसके जो पिलर है वो वर्टिकल पोजिशन में हो जाए रिलीज द बीम बाय टर्निंग द हैंडल बीम को रिलीज करेंगे बाय टर्निंग द हैंडल द पॉइंटर शुड स्विंग टू बोथ द साइड्स इक्वली जो पॉइंटर है वो बोथ द साइड्स इक्वली स्विंग करे एडजस्ट द नट्स इफ नेसेसरी अगर ज़रूरत है तो उसके नट्स के साथ उसको एडजस्ट किया जाए प्लेस द सबस्टांस टू बी वे इन द लेफ्ट पैन एंड द नॉन स्टैंडर्ड वेट इन द राइट पैन जो सबस्टांस हमने मयर करना है वो हम लेफ्ट पैन में रखेंगे उसका जो स्टैंडर्ड वेट है वो हम राइट पैन में रखेंगे एडजस्ट द वेट सो दैट द पॉइंटर स्विंग्स टू बहुत द साइड इक्वली वेट को एडजस्ट करेंगे ताकि जो पॉइंटर है वो स्विंग करे बोथ द साइड इक्वली सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ एनालैटिकल बैलेंस द नेक्स्ट इज केयर एंड मेंटेनेंस द एनालिटिकल बैलेंस मस्ट बी कैप्ट इन अ रूम विच इज़ फ्री फ्रॉम एनी वाइब्रेशन ऐसे रूम में हमें एनालिटिकल बैलेंस को रखना है जहाँ किसी भी प्रकार की वाइब्रेशन ना हो रही हो बैलेंस शुड बी कैप्ट इन अ डस्ट फ्री एटमोसफियर डस्ट फ्री एटमोसफेयर होना चाहिए जहाँ हम बैलेंस रखेंगे ऑलवेज क्लीन द बैलेंस आफ्टर यूज़ उसको यूज़ करने के बाद उसको क्लीन जरूर करें ऑलवेज क्लोज द फ्रंट डोर एंड साइड डोर ऑफ द बैलेंस वेन वी आर नॉट यूजिंग जब हम उसको यूज नहीं कर रहे अगर उसके साइड डोरस हैं फ्रंट डोरस हैं तो उसको प्रॉपर क्लोज कर दो पुटा प्लास्टिक कवर अवर द वुडन फ्रेम वेन बैलेंस इज नॉट इन यूज उस वुडन फ्रेम के ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा दें अगर आप बैलेंस नहीं यूज कर रहे नेवर वेट द सबस्टांस बाय प्लेसिंग इट डायरेक्टली ऑन द पैन यूज द बटर पेपर और वाच ग्लास डायरेक्टली पैन के ऊपर सब्सटेंस नहीं रखना चाहिए बटर पेपर या वॉश ग्लास का यूज़ करना चाहिए डोंट स्पिल द केमिकल्स ऑन द स्केल पैंस जो पैंस हैं उन पर कोई भी कैमिकल्स स्पिल आउट नहीं होना चाहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर